उधर रायपुर पुलिस ने लूट के 8 मामलों का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 9 लाख नकदी समेत 60 लाख रुपए के जेवर भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जहां आरोपियों पर अलग अलग थानों में आधा दर्जन से भी ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। बता दें कि कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। अपराध है जिसमें से एक लूट है और 7 चोरी है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग है, एक गैंग उड़ीसा का है और एक गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख का मुचलका जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख, तो अराउंड 85% रिकवरी है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया ओवर द लास्ट वीक, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और मैं पुलिस महानिरीक्षक अधिकार क्षेत्र 20,000 प्रति प्रकरण की इनाम राशि 40,000 रुपये टीम को आज स्वीकृत किया हूँ इन दो बड़ी।